सर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो सर 5-6 महीने हो गए पानी की दिक्कत चल रही है। पहले तो इन्होंने खड्डा खोद लिया खड्डे के सिस्टम में कि खड्डे में पानी आ जाएगा, खड्डे में पानी पूरा नहीं आ रहा है, ओवरफ्लो होकर पानी मकानों के भीतर भी घुस रहा है लोगों के, और जो फर्श बैठ रहा है मेरे मकान के चोकर तो पानी घूम रहा है और सारा फर्श नीचे बैठ रहा है। उसमें नुकसान हुआ है वो अलग है, उसका भी अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला है ना, मैं अभी तक दिखाया MC साहब आए हैं देख के गए हैं, इन्होंने बोला भी आगे कि महाराज ये कुछ करो इसको पानी निकलवाओ। बात ये भी हो रखी है कि अगर नाले का प्रपोजल जो आगे पूरा हो जाएगा, पूरा होने के बाद यहाँ पे ये पानी निकालने के बाद उसकी पेमेंट होगी। हमने 1 साल हो गया ये गंदे गंदे, कम से कम 6 महीने तो हम सर्दी में पानी में निकले हैं यहाँ। अच्छा, और बताया गया SMC को भी ठेकेदार को भाई मैं टिलवा देगा और ये पानी निकलवा दे, हमारी सुख में जान हो जाएगी, फिर हमारी तो किसी ने सुनाई ही नहीं करी। क्या करें, फिर आपने कहीं गए नहीं किसी अधिकारी के पास? किसके पास, हमारे पास तो ये MC साहब, हम तो इसको बोल सकते कि हमारे बार लगाइए, इससे कहा आपने तो जय बार भी कहा, इसको ही कहा यानी मैं करवाऊंगा भाई, पता नहीं ने कहा या नहीं कहा उनसे। हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे, हम पानी के बीच में झोपड़ी मारा गरीब आदमी, हमारा पानी नहीं लाइट नहीं, हम अंधेरे में किस तरह पानी में खोली कटर किस तरह जाओ, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। खुद आकर देख लो, जो कोई मौका देख लो आकर ना, जो हम झूठ बोल रहे हो तो हम बहुत परेशान, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है, अपना काम कर रहे हैं हर भाग जा रहे हैं। परेशानी पानी की भी हरी, लिकड़न बढ़ने की रास्ते में गाड़ी हमारी मोटरसाइकिल साइकिल लिकड़ नहीं सकती, बच्चे नहीं लिकड़ सकते। कितने दिन से परेशानी है? परेशानी 1 साल हो गया इसने, परेशानी हो रही मन। क्या नाम है आपका? शीला मेरा तो नाम जी। सर ये पूरा मामला बताइए, क्या कुछ मामला है? ये पूरा मामला रोहिला साहब, जो रामसर पार्क के बैक साइड से जो नाला अंडरग्राउंड किया है नगर पालिका ने, तो नाला बनाने के लिए पानी की निकासी साइड कर दी थी, टेम्परेरी नाला बना दिया था, और अब नाला जो रामसर के बैक साइड में है अंडरग्राउंड, वो पूरा हो गया है और जल्द ही इसको भी करवा लिया जाएगा। हर रोज़ ठेकेदार बोलता है आज करवाऊँ कल करवाऊँ, और 1-2 दिन में करवा लिया जाएगा। रही बात इस नाले की, ये नाला करीबन करीबन 600 मीटर के करीब है, ये नाला इरीगेशन विभाग ने बनाया था, और इरीगेशन विभाग जहाँ पे नाला बना हुआ है यहाँ करीबन करीबन सैकड़ों सालों से पानी था, तो यहाँ जो ज़मीन थी वो खिसक गई, ये नाला बैठ गया, तो विभाग को इसकी इससे अवगत भी करवाया गया। विभाग इरीगेशन हर रोज़ बहाने में मना रहा है, एक्शन साहब से बात हुई थी, बजट इसका एस्टिमेट बन गया, जल्द ही बनेगा। कितने दिन से टूटा हुआ ये नाला? ये नाला करीबन करीबन 1 वर्ष से, और ये 2016 में बना था, मई 2016 में बना था, और तो 1 वर्ष से चक्कर लगा रहे हैं आप? 1 वर्ष से गए हैं और 1 वर्ष से ये बोले भाई एस्टिमेट बनेगा, लेकिन एस्टिमेट बन गया लेकिन आज तक। और ये जो उसने ठेकेदार ने यहाँ खड्डे खोदे थे निकासी के लिए, इस पर भी मिट्टी नहीं दिलवा पाई? हाँ, उससे भी बात हुई है, वो जल्दी कर लेगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, कॉलोनी वाले को जल्दी ही निजात मिलेगी। अच्छा बात करी जाए सर, जो आगे नगर पालिका द्वारा एक जो अंडरग्राउंड नाला जो बनाया गया है, वो कितने रुपए से बनाया गया है? उसका 85 लाख रुपए का था जी टेंडर, 85 लाख रुपए में तैयार हुआ है वो नाला, क्योंकि रामसर पार्क थी एक तरफ कॉलोनी थी, तो निकालने का जगह वो स्थान नहीं था, तो अब स्थान पर मैन होल बना दिए गए हैं, और बदबू से लोगों को निजात मिलेगी और जल्द ही यहाँ भी मिल जाएगी निजात। चलो, ये नगर पालिका सफेदों की खसरा नंबर 214 है जी, म्यूनसिपलिटी नगर पालिका की ज़मीन है ये सफेदों की। यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्विमिंग पूल वे खेल वो गार्डन के रूम में तैयार होना है, और उसका प्रस्ताव डाल रखा है, जल्द ही इसका काम शुरू होगा, 3.5 करोड़ रुपये की लागत से। यहाँ बदबू है ना जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे देखने वाली चीज़ बनेगी, और ज़िले के अंदर पहला बड़ा स्विमिंग पूल जो बच्चों को तैराकी वगैरह सिखाएगा। सुनील जी बात करी जाए, ये जगह शहर के बीचों बीच है फिर भी इतनी गंदगी है, नगर पालिका इस पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं। नगर पालिका की ज़मीन नगर पालिका के पास है नहीं कूड़ा कर चलने की, जल्द ही नगर पालिका ज़मीन लेने जा रही है जहाँ कचरा डाला जाए शहर से बाहर। हमें ठेकेदार भाई कमेटी वाले 2 बंदे निकाले सफाई वाले देवे, मैं अपने इंजन पंप उधर का मोटर उधर का पानी निकाल के खड्डा बंद करवा दूंगा जी। ये जगह इस जगह का मुआयना किया गया, मौका मुआयना किया गया, मौके मुआयने पे देखने के बाद जो ठेकेदार को हिदायत दे दी गई है, पंप से इसका पानी निकलवा दिया जाएगा, और जो इरीगेशन डिपार्टमेंट को बोल दिया गया जो पिछला लेवल है जिसका नाले का, वो ठीक करने के लिए लेटर लिखा गया है।